से आता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं उनके शब्दों में अपने विद्वान रेल मंत्री माननीय प्रभु जी को, माननीय मनोज सिन्हा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे कबीर साहब के इस सार को अपने बजट में दर्शित किया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। तो सार को हमारे विद्वान रेल मंत्री ने पकड़ा है और पहली बार भेदभाव रहित रेल बजट इस देश को देने का कार्य किया है। सर, मैं कहना चाहूंगा हमारे बहुत ही सीनियर खड़गे जी कल कह रहे थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कि हमारे सरकार ने एक ऐसा बजट दिया है जो सर एक मिनट सर हर जूनियर ही सर सीनियर होता है। सर एक मिनट सर प्लीज, मैं उसको हमारी बात तो कह लीजिए। सर मैं कहना चाहूंगा बहुत सीनियर हमारे, बस एक मिनट, हमारी सरकार का मामला सर, हमारी सरकार का मामला है, मैं उस पर समर्थन में खड़ा हुआ बोलने के लिए। मैं सर उस पर कहना चाहूंगा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पे जो बात कही गई है, मैं बधाई दूंगा कि पहली बार अब तक जो बजट पेश होता था वह ऋण लेकर के केवल अपने और अपने लोगों को घी पिलाने का काम किया जाता था। हमारी सरकार ने सर देश के इतनी बड़ी रेल को घी पिला करके और रेल को मजबूत करने का कार्य किया है और बजट पेश करके। अंत में सर मैं खलीलाबाद से आता हूँ, वहां से के लिए मांग करना चाहता हूँ कि संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है, उसका नाम बदल करके संत कबीर नगर किया जाए और खलीलाबाद से होते हुए मेहदावल होते हुए नंदौर होते हुए बढ़नी श्रावस्ती बलरामपुर तक की रेलवे लाइन बिछाने की मैं मांग कर चुका हूं, उसको किया जाए। सूफी संत हमारे गोविंद साहब जो अकबरपुर की हमारी विधानसभा आती है वहां से बुद्धा कॉरिडोर के अंतर्गत एक रेल लाइन चलाते हुए हमारे यहाँ बुद्ध का ननिहाल है उसको भी जोड़ने का कार्य किया जाए और मगर में सर एक यात्री निवास बनाने का कार्य कराया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ और अंत में दिनकर जी के पंक्तियों में अपने विद्वान प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि जो होता है वह होने दो, यह पौरुष ही कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इसमें ही नवजीवन है, इसमें ही नवजीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद।